नमस्कार, मनु दलसरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब हुई थी। पशु आपके टॉपिक दे रखा है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, तो उस पशुओं में से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा और जो मैं बता रही हूँ इनको आप आराम से देख लेना, एक बार सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आ जाता है कि स्वतंत्र राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब हुई, तो 1951 1951 50 और 1951, तो 1951 में हुई थी। राजस्थान में पशु घनत्व कितना है, तो राजस्थान में अगर पशु घनत्व देखें तो 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1951 में पशु गणना हुई थी प्रथम, और आपने राजस्थान में प्रेजेंट में पशु घनत्व है 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व है व सबसे कम पशु घनत्व किन जिलों में है, तो सबसे ज़्यादा पशु घनत्व है वो तो है दौसा में, और सिर्फ सबसे कम पशु पाए जाते हैं जैसलमेर में। घनत्व है पशुओं का घनत्व है, सबसे ज़्यादा पशु घनत्व है दौसा में और सबसे कम जैसलमेर में। भारत के कुल पशुधन का लगभग कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है, यानी टोटल हम भारत का देखते हैं तो भारत में टोटल राजस्थान कवर करता है 11.27%। राजस्थान में कितने हैं पशु, 11.27% है टोटल भारत के। वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक कितने लाख पशुओं की वृद्धि अंकित की गई है, यानी कि क्या हुआ है 2007 से लेकर 2012 में अपने यहाँ पे क्या हुए पशुओं की वृद्धि हुई है, और वृद्धि हुई है वो 10.69 लाख हुई है, यानी 10.69 लाख हमारे यहाँ पे पशु बढ़ गए हैं 2007 और 2012 तक। वर्ष 2012 की पशु गणना में प्रति हज़ार की जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है, तो प्रति हज़ार की जनसंख्या पर पशुओं की संख्या है अपने यहाँ 844। दो हज़ार बारह की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन व सबसे कम पशुधन संख्या वाले ज़िले कौन से हैं, तो सर्वाधिक किसमें हैं और सबसे कम किसमें हैं, तो सर्वाधिक तो अपने बाड़मेर में है, सर्वाधिक पशुधन तो बाड़मेर में है और सबसे कम है धौलपुर में। अगर आपके यहाँ पे कोई पशु आते हैं तो आप क्या करते हो, अगर आपके खेत में आप क्या करोगे बाड़ करोगे, तो सर्वाधिक पशु आएंगे वहीं बाड़ करोगे, तो बाड़ से क्या हो गया बाड़मेर, और जहाँ पे पशु नहीं होगा वहाँ पे क्या होगी मिट्टी हमेशा धोली धोली रहेगी यहाँ के, क्योंकि क्या करते हैं पशु ही नहीं दिखाई देंगे, पशु का हर अलग अलग कलर, बकरी ज़्यादा भैंस गाय सब क्या होते हैं अलग अलग कलर की होती है, तो सब अगर ऊपर से देखते हैं तो सब क्या होगा अगर पशु नहीं है तो सब दिखाई देगा आपको वाइट धोला, मारवाड़ी में बोलते हैं धोला धोला, तो बाड़मेर व धौलपुर, तो ऐसे याद कर लेना बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पशुधन है और धौलपुर में क्या है सबसे कम पशु हैं। असंगत युग्म को छांटिए, असंगम युग्म को छांटना है तो गोवंश सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से, यानी गायें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं उदयपुर बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर में, तो ये चार ज़िले हैं उदयपुर में भी गायें हैं, बीकानेर में, जोधपुर में और बाड़मेर में। भैंस कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा, जयपुर अलवर भरतपुर नागौर, तो ये वाला अपना एरिया ना जयपुर अलवर भरतपुर नागौर यहाँ पे भैंस ज़्यादा पाई जाती है। भेड़ अगर देखें तो भेड़ कहाँ पे हैं, बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर और पाली, तो बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर पाली में क्या पाई जाती हैं भेड़ें पाई जाती हैं। बकरी कहाँ पे हैं, बाड़मेर जोधपुर जैसलमेर और नागौर। बकरियाँ भेड़ बकरी ज़्यादातर साथ साथ ही रहती हैं अपन देखते हैं, तो नागौर और पाली में अंतर है, बाकी तीनों सेम है भेड़ और बकरी में, भेड़ पाली में भी हैं और बकरी कहाँ पे है नागौर में। और घोड़े देखो बीकानेर बाड़मेर भीलवाड़ा और नागौर, घोड़े बीकानेर बाड़मेर भीलवाड़ा और नागौर में। ऊँट कहाँ पे हैं, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर और हनुमानगढ़, यहाँ पे ऊँट पाए जाते हैं, तो ऊँट कहाँ पे हैं जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर और कौन सा क्षेत्र है हनुमानगढ़ वाला ऊपर वाले साइड में, हनुमानगढ़ वाले साइड में भी ऊँट पाए जाते हैं और घोड़े पाए जाते हैं बीकानेर बाड़मेर भीलवाड़ा अपनी वस्त्र नगरी और नागौर में, यहाँ पे घोड़े पाए जाते हैं। और बकरी सबसे ज़्यादा बाड़मेर जोधपुर जैसलमेर और नागौर में, भेड़ बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर और पाली में, भैंसे जयपुर अलवर भरतपुर और नागौर वाले क्षेत्र में, गोवंश उदयपुर बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर में। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है तीसरा। तो भारत अगर विश्व में देखते हैं तो भारत का पहला स्थान आता है दूध उत्पादन में, और अपना राजस्थान का भारत में देखते हैं तो तीसरा स्थान है दूध के उत्पादन में। राजस्थान में भारत की कुल कितने प्रतिशत ऊन उत्पादित होती है, तो राजस्थान में भारत की टोटल 40% ऊन अपने राजस्थान में
उत्पादित होती है, बाकी के 60% सारे जो राज्य हैं वो करते हैं। राजस्थान अकेला 40% ऊन उत्पादित करता है। राजस्थान में सर्वाधिक व सबसे कम दुग्ध उत्पादक जिले हैं, तो सर्वाधिक और सबसे कम दोनों हैं इसमें। तो सर्वाधिक दूध तो जयपुर और सबसे कम बांसवाड़ा में, सर्वाधिक कहाँ पे है, जयपुर में, और सबसे कम किस में, बांसवाड़ा में। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम ऊन उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक ऊन देखो कहाँ पे है, सर्वाधिक ऊन तो जोधपुर में, और सबसे कम उत्पादन करने वाले हैं झालावाड़। तो सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ पे है, जोधपुर में, और सबसे कम झालावाड़ में है। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम कुक्कुट उत्पादा कहाँ है, तो सबसे न्यूनतम और सर्वाधिक दोनों इसमें, तो अजमेर में सर्वाधिक और करौली में सबसे कम कुक्कुट संपदा है, और कुक्कुट संपदा सबसे ज़्यादा अजमेर में, और सबसे कम कहाँ पे है, करौली में। नागौर जिले के किस गांव की बकरियाँ समस्त देश में प्रसिद्ध हैं, तो वरुण जो बकरियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, पूरे देश में प्रसिद्ध है वरुण बकरियाँ नागौर की। पशु संपदा की दृष्टि से रथ क्षेत्र किन जिलों में है, तो पशु संपदा की दृष्टि से रथ क्षेत्र है अलवर, भरतपुर और धौलपुर वाला साइड है, वो रथ क्षेत्र कहलाता है पशु संपदा की दृष्टि से। एडमास योजना का संबंध है, एडमास योजना है पशु रोगों की पहचान व निदान करना, यह है एडमास योजना। तो आ जाए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि एडमास योजना का संबंध किससे है, तो पशु रोगों की पहचान करके और उनका उपचार करना यानी निदान करना। असंगम युग्म को छांटना है, तो राजस्थान पशुधन विकास केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे है, जोधपुर में है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में। तो ये तीनों तीनों सही हैं, बाकी राजस्थान पशुधन विकास ये यहाँ पे देने रखा, यहाँ पे अजमेर था, तो ये राजस्थान पशुधन विकास अजमेर में नहीं है। तो देखो ये बाकी के हैं तीनों, आपको याद रखना है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे है, तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है जोधपुर में, और सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, जोधपुर में हो रहा है। अपने अभी पढ़ा है ऊपर कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ होता है, तो जोधपुर में, और वहीं पे क्या लगी है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना है जोधपुर में। केंद्रीय भेड़ व अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में है, और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है, यानी कि ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है बीकानेर में। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। राजस्थान में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ कितने हैं, यानी राजस्थान में टोटल में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ है बने हुए हैं वो कितने हैं, तो वो टोटल 21 है, 21 है। राजस्थान की डेयरी विकास की शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसे RCDF, तो RCDF की फुल फॉर्म राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई है, तो 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। टेट्रापैक दूध संयंत्र कहाँ कार्यरत है, तो टेट्रापैक दूध संयंत्र है जयपुर में। जनश्री बीमा योजना का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादकों से है जनश्री बीमा योजना। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड है दूध से संबंधित, सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपको सम्मिलित नहीं है देखना है, तो ये बाकी के तीन तो सम्मिलित हैं और एक सम्मिलित नहीं है। तो भैंस ये चौथा नंबर का सम्मिलित नहीं है, बाकी का हम तो देख लेते हैं कि भैंस, मुर्रा, जाफराबादी ये नस्ल के नाम है, तो भैंस की नस्ल है मुर्रा, जाफराबादी, बदावरी और रथ। गोवंश की है कांकरेज, राठी, मालवी और सोनाड़ी, ये है गोवंश की, कांकरेज, राठी, मालवी और सोनाड़ी। भेड़ की है नाली, मगरा, मालपुरी और सोनाड़ी, ये भेड़ की नस्लें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की किस्म कौन सी है, तो जैसलमेरी ऊन भेड़ है वो सबसे ज़्यादा ऊन देती है राजस्थान में, जैसलमेरी भेड़। नागौरी गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है, तो नागौरी गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है सोहालक प्रदेश। सुमलित कीजिए, तो सुमलित करना है इसमें, उत्तरी पश्चिमी राठी, दक्षिणी पश्चिम में कौन सी नस्ल पाई जाती है, सांचौरी, पश्चिमी में कौन सी पाई जाती है, थारपारकर, यानी पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें थारपारकर पाई जाती है, जहाँ पे पश्चिमी साइड है अपना थारपारकर। मध्यवर्ती क्षेत्र में नागौरी, तो ये नस्ल दे रखी है। उत्तरी पश्चिम में कौन सी नस्ल पाई जाती है, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र देखते हैं, तो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में राठी, दक्षिणी पश्चिमी वाला क्षेत्र देखते हैं तो ऊपर आ जाए तो राठी, नीचे आए तो सांचौरी, और पश्चिम में अगर जाएं तो थारपारकर, और मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वहां पे नागौरी, ये नस्ल पाई जाती है। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई झकराना, सिरोही व मारवाड़ी नस्लें संबंधित है, तो ये बकरियों से संबंधित है, बकरियों की नस्लें हैं झकराना, सिरोही और मारवाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बीकानेर में, ये सत्य है इसमें कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है।
राज्य में देसी गायों की उन्नति नस्ल के लिए बजट 2016-17 में किसकी स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पे धरोहर जीन बैंक की स्थापना की जाएगी देसी गायों की उन्नत नस्ल के लिए। राजस्थान में पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा है? 2012 में राजस्थान में पशुधन निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ हुई है 2012 में। राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष हुई है? तो 19वीं पशुगणना हुई है 2012 में। तो उसी के आंकड़े हमने देखे हैं अभी। तो राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष हुई है? 2012 में। नाचना, कच्छी, केसवाल किस पशु की नस्लें हैं? तो ऊँट की है नाचना, कच्छी और केसवाल। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है तो ये जोधपुर में स्थित है। बाकी देखो क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट की राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? अपने राज्य की बात कर रहे हैं और राज्य के अंदर क्या है? सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का सचिव, राज्यपाल या मुख्य सचिव, तो इसमें होगा राज्यपाल होता है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं अपने राष्ट्रपति। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को भी हटाने का प्रावधान है, गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं है, बाकी अटॉर्नी जनरल होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, इन सभी को हटाने का क्या होता है? प्रावधान होता है संविधान में। गवर्नर को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रसाद पर्यंत ही नियुक्त होता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। और राज्यपाल को कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसको करता है? प्रधानमंत्री को करता है, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनको करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं हम अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163। तो इसको टोटल ऐसे याद कर लेना, 16 और 3 कितने होते हैं? 17, 18, 19। तो टोटल 19, जब आदमी 18 का होता है तो वोट देने लायक होता है और 19 में क्या बन जाता है? मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ऐसे याद कर लेना टोटल 19 है, तो अनुच्छेद 19, तो इसको आप करके देखेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री। राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 200 हैं राजस्थान में विधानसभा के सदस्य। राज्य के मतदाता मतदान करते हैं, तो राज्य के मतदाता कौन कौन से करते हैं? स्थानीय निकाय के चुनाव में भी करते हैं, राज्य विधानसभा के चुनाव में भी करते हैं, देश की लोकसभा के चुनाव में भी करते हैं, और तीनों में करते हैं। जब हम वोट डालते हैं तो हम कहाँ कहाँ वोट डाल सकते हैं, ये बात पूछी गई है इसमें, इससे कि राज्य के मतदाता, तो हम हो गए मतदाता, मतदान करते हैं तो हम कहाँ कहाँ करेंगे? हम अपने स्थानीय निकाय में भी करते हैं, फिर राज्य विधानसभा में भी देखो हम करते हैं, और देश की लोकसभा में भी हम करते हैं, तो हम तीनों में करते हैं। राज्य, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में टोटल 29 राज्य हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में 7। भारत के मतदाता कितने स्तरों पर सरकार चुनते हैं? तो भारत के मतदाता 3 स्तरों पर अपनी सरकार चुनते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भारत के मतदाता हैं तो हम 3 स्तरों पर क्या करते हैं? अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? तो अगर केंद्रीय सूची में विषय पूछे जाते हैं तो 97 विषय आते हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 66। केंद्रीय सूची में आए तो 97, यानी 100 में 3 कम, और राज्य सूची में 60 से 6 ज़्यादा, तो राज्य सूची में 66 और केंद्रीय सूची में 97। संवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकती है? तो संवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है, केंद्र व राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं संवर्ती सूची के विषयों पर कानून। संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र व राज्य सरकार दोनों को होता है। संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो संवर्ती सूची में विषय हैं 47। ये पूछे जाते हैं विषय, तो आपको विषय याद रखना है कि केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची में कितने हैं? 66।
और समवर्ती सूची में कितने हैं, 47। राज्य सरकार की शक्तियाँ कितने अंगों में बटी हुई हैं, यानी कि अपनी राज्य सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं वो कितने अंगों में बटी हुई रहती हैं, 3 अंगों में बटी हुई रहती हैं। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राज्यपाल। कानून बनाने का कार्य कौन करती है, तो कानून बनाने का काम करती है विधायिका। वर्ष में कम से कम कितनी बार विधानसभा की बैठक होना आवश्यक है, तो वर्ष में कितनी बार, 3 बार विधानसभा की बैठक होना जरूरी होती है। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है, तो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है विधानसभा अध्यक्ष। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होना आवश्यक है, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 40। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, तो राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसकी खंडपीठ है जयपुर में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है अपना, तो वो नई दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है, अभी चुनाव होने वाले हैं, वोट होने वाले, आचार संहिता लग गई है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, आप याद रख लेना इनको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद 324, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का आपको वर्णन मिलता है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 और 4 9, तो अनुच्छेद 9 में क्या करते हैं हम, निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है 9, ऐसे टोटल याद कर लेना, अनुच्छेद 9, तो ज़्यादातर मिलता नहीं है, आप ऐसे इनको जोड़ के करोगे तो याद रह जाएगा, अगर ऐसे याद रखो 324 तो और भी बहुत बढ़िया बात है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो भारत में निर्वाचन की जो सूची तैयार करने की जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग की होती है, और निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में मिलता है, अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, जिस संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान होता है, तो ये इतनी सारी हैं, इनमें कौन सा एक लक्षण समान है, तो वो क्या है, ये एक संवैधानिक संस्थाएँ होती हैं। संवैधानिक संस्थाएँ कौन कौन सी होगी, एक तो निर्वाचन एक आयोग, एक सर्वोच्च न्यायालय, एक संघ लोक सेवा आयोग, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सभी क्या हैं, एक संवैधानिक संस्थाएँ, यानी संविधान के बारे में इनका उल्लेख किया गया है, इसलिए वो क्या होगी, संवैधानिक संस्थाएँ। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है, तो मध्यावधि चुनाव जब करवाया जाता है, जब समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाती है, तब क्या करवाया जाता है, मध्यावधि चुनाव करवाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में कितनी अपनी कौन सी जयंती मनाई है, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई है, तो स्वर्ण जयंती मनाई है भारतीय निर्वाचन आयोग ने, 2010 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है इन्होंने। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है, यानी कि 18 वर्ष का हो गया तो वो 1989 के अनुसार क्या हो गया है, वयस्क हो गया, अपना मतदान कर सकता है। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कब की गई थी, तो 1989 में की गई थी। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिल जाता है, तो 18 वर्ष की आयु में। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन जो क्या है, चुनाव आयुक्त के प्रथम मुख्य। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी, उसने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो निर्वाचन सुधारों से है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध, इन्होंने निर्वाचन में सुधार किए थे दिनेश गोस्वामी समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है, तो वह निर्वाचन आयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन तो नहीं करता वो, बाकी क्या करेगा, निर्वाचन आयोग निर्वाचन तारीखें तय करेगा, चिन्हों का आवंटन भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने का काम भी किसका होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पद से हटाना का जो काम है, जो अधिकार है, वो किसका होता है, वो राष्ट्रपति कर सकता है, मुख्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त और हटा भी सकता है राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, तो वो कौन करता है, संविधान करता है, क्योंकि ये क्या एक संवैधानिक निकाय है, तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है, तो संविधान करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण, इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप इसको आराम से पढ़ लेना है, दोबारा देख लेना वीडियो को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।